मुरादाबाद से सपा सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देखी सरकार की नीयत खराब है, अगर नीयत सही होती है तो शायद महंगाई रुक भी जाती। दरअसल सपा सांसद डॉक्टर एस डी हसन बढ़ती महंगाई पर बात कर रहे थे। वस्तु संशोधन अधिनियम बिल के राज्यसभा में पास होने पर सपा सांसद ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए किसान बिल का उदाहरण दिया और कहा कि जब सरकार ने किसान बिल में लोगों को इजाजत दे दी कि वो अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक करने वाले ये लोग कारपोरेट्स हैं जो पूंजीपति लोग हैं, जब ये आलू प्याज और दालों का भी स्टॉक कर लेंगे तो अपने हिसाब से इनके दाम तय करेंगे, इन्हें बड़े दामों से बेचने के लिए कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अपर लिमिट कोई तय नहीं है। किसान बिल के अंदर ये है ही नहीं कि अधिकतम दाम क्या होगा, सिर्फ MSP जरूर है और धान की खरीदी देख लो। जिम्मेदार लोग नए नए बहाने बना रहे हैं लेकिन जो दलाल बाहर बैठे हुए हैं वो धान खरीद रहे हैं और MSP पर डाल रहे हैं। सरकार की नीयत पूंजीपतियों के साथ है, कारपोरेट्स के साथ है, गरीब के साथ नहीं। बस एक ही सेक्टर बचा हुआ था जो देश का सबसे बड़ा सेक्टर था, वो किसान थे। खेती है हमारी GDP बनाती है लेकिन इसको भी बर्बाद करने की कार्यवाही इस सरकार ने कर दी है। इसका खामियाजा गरीब आदमी को भुगतना पड़ेगा। फसल के समय तो आलू प्याज और सस्ता मिल जाएगा लेकिन बाद में उसके दाम दो गुना हो जाएंगे और जो व्यक्ति 200 रुपए रोज कमाता है उसे अपनी जीविका चलाना बहुत भारी पड़ जाएगा। देखिए सरकार की नीयत खराब है, अगर नीयत सही होती तो शायद महंगाई रुक भी जाती। जब इन्होंने किसान बिल के अंदर लोगों को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टॉक करने वाले जो कॉरपोरेट्स हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जब वो आलू और प्याज का भी स्टॉक कर लेंगे, जो दालों का स्टॉक कर लेंगे, गेहूं और चावल का कर लेंगे, तो अपने हिसाब से ये इसके प्राइस इसके रेट तय करेंगे। अगर इनको गेहूं 40 रुपये किलो बेचना है तो ये बेचेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि अपर लिमिट कोई तय ही नहीं है, कि बिल के अंदर ये भी तय नहीं है कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा और मिनिमम प्राइस क्या होगा। सिर्फ MSP ज़रूर है, वो सरकार लेती है, सरकार को भी 20% से ज़्यादा लोग दे नहीं पाते, तो 20% से ज़्यादा किसान नहीं दे पा रहे हैं। आज देख रहे हैं आपके धान के भाव जो हैं वो 700 से 1000 रुपये पर कुंटल हैं, MSP पे दे नहीं पा रहा। उसमें 10 झगड़े होंगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर इसका वेरिफिकेशन कराओ, फिर इसमें कई किसी में सील ज़्यादा है, किसी में 10 प्रॉब्लम निकालने हैं, उन्हें नहीं लेना हो। लेकिन जो दलाल बाहर बैठे हुए हैं वो ख़रीद रहे हैं और MSP पे डाल रहे हैं। तो किसान की नीयत, सरकार की नीयत जो है वो पूंजीपतियों के साथ है, कॉरपोरेट्स के साथ है, वो गरीब आदमी के साथ नहीं है। एक ही सेक्टर बचा हुआ था जो देश का बहुत बड़ा सेक्टर है, वो किसान थे और किसान ही, और खेती और हमारी एग्रीकल्चर ही हमारा GDP बनाती है, लेकिन इसको भी बर्बाद करने की पूरी कार्रवाई सरकार ने कर दी है। इसका परिणाम यही होगा कि फसल के ऊपर तो आटा गरीब आदमी 20 रुपये किलो लेगा, चावल सस्ता लेगा, फसल के ऊपर आलू भी उसे मिल जाएगा और दालें भी मिल जाएंगी, लेकिन फसल के बाद उसके रेट दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे। गरीब आदमी जो 200 रुपये रोज़ के कमाता है या 150 रुपये रोज़ के कमाता है, उसको अपनी जीविका चलाना बहुत भारी पड़ जाएगा, महंगाई बहुत ऊपर चली जाएगी।